आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, हमारा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को ज्ञात कीजिए और हमें यहाँ कुछ संख्या के युग्म दे रखे हैं। मैं सबसे पहले बात करता हूँ हमारे पहले विकल्प की। हमारा पहला विकल्प है 36 और 145। देखो, इसके अंदर जब मैं हमारी जो पहली संख्या है, हमारी पहली संख्या क्या है, 36, इसके अंदर जब मैं 4 का गुणा करता हूँ, देखो 36 में जब मैं 4 का गुणा करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास 144, और जब इसमें मैं 1 जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, हमारी दूसरी संख्या। ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ हमारे दूसरे विकल्प की, हमारा दूसरा विकल्प है 16 और 63, ठीक है। इसके अंदर जब मैं हमारी पहली संख्या यानी कि 16 में 4 का गुणा करता हूँ तो क्या आता है 64, और 64 में से 1 कम करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है 63। ठीक इसी तरह जब मैं बात करता हूँ हमारे तीसरे विकल्प की, हमारा जो तीसरा विकल्प है वो है 91363। ठीक इसी तरह जब 91 के अंदर यानी कि पहली संख्या के अंदर 4 का गुणा किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है 364, और उसमें से 1 कम किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ 363। इसी तरह आगे जब अपने बात करते हैं विकल्प नंबर 4 की, तो पहली संख्या है 64 और दूसरी संख्या है 255। जब मैं हमारी पहली संख्या के अंदर यानी कि 64 के अंदर 4 का गुणा करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 256, और उसमें से जब मैं 1 कम करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 255, यानी कि हमारी दूसरी संख्या। तो मैं देख सकता हूँ कि नीचे के तीनों के अंदर पहली संख्या में जो हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या में 4 का गुणा कर 1 कम करने से हमारी दूसरी संख्या आ रही है, जबकि मैं बात करता हूँ विकल्प नंबर 1 की तो इसमें यह नियम पालन नहीं हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि विकल्प नंबर 1 जो है बाकी से क्या है, विषम है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, विकल्प नंबर 1। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।